हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसको बिल्कुल दबाया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताया करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और नए अंदाज में मूंग दाल के पकौड़े, और आज हम इसको एक अलग तरीके से बनाएंगे ताकि ये अलग बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। अब बारिश का मौसम है तो पकोड़े खाने तो बनते हैं, और इस तरह से डिफरेंट टाइप से पकोड़ा बना हो तो बहुत ही मज़ा आएगा खाने में, तो फिर देर किस बात की है। तो चलिए बनाते हैं एकदम डिफरेंट स्टाइल में नए तरीके से मूंग दाल के पकोड़े, और बारिश के मौसम का आनंद लें इन पकौड़ों के साथ। तो चलिए फिर बनाते हैं, और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और बताती हूँ मैं। मूंग दाल पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है मूंग दाल। मूंग दाल को अच्छे से धो लेना है, और उसके बाद 2 घंटे के लिए इसको हमको भिगो के रख देना है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको गर्म पानी में भिगो सकते हैं ताकि जल्दी हमारी दाल भीग जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है कटे हुए प्याज, और ये मैंने पोटैटोस लिए हैं, और इसको हमें कद्दूकस करना है, तो इससे मैं कद्दूकस करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ग्रीन चिली और जिंजर, आप चाहें तो गार्लिक भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अब मैं जो पोटैटो मैंने लिया है उसको मैं यहाँ पे ग्रेट कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं, पर ग्रेट करके ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। और उसके बाद इसे हम अच्छे से कर लेंगे, इस तरह से इसके लच्छे तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद हमें इसे क्या करना है, अच्छे से वॉश करना है, अच्छे से, जो कि इसके अंदर जितना भी स्टार्च होता है वो निकल जाए तो एकदम क्लीन हो जाएगा। उसके बाद इसको हम एक साइड में रख लेंगे धोने के बाद। तो यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे ये मैंने ले लिया है धुल के, और एकदम साफ़ हो गया है ये। उसके बाद हमें क्या करना है, आगे के प्रोसेस में हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये पानी डाल के धो लिया है अच्छे से यहाँ पे। अब हमने जो मूंग दाल लिए थे उसको मैंने जो पानी से निकाल के अच्छे से छान लिया है, इसमें पानी ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अब इसको हम एक मिक्सी जार में डाल के इसका एक पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट हमें बहुत पतला नहीं करना है, और एक थोड़ा दरदरा रखना है, तभी हमारा जो पकौड़े हैं वो एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको मैं अभी ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करते समय जो हमने ये चिली और जिंजर लिया था उसको हम यहाँ पर डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है, और ये जो मैंने पोटैटो धुल के लिए थे वो भी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। और उसके बाद ये हम ग्राइंड कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एक बार करके मैं दिखाती हूँ, तो थोड़ा सा नहीं हुआ है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सूखा है, नहीं चल रहा है, तो आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना, कैसा मैंने इसका पेस्ट रखा है, बहुत पतला नहीं रखा है, थोड़ा दरदरा रखा है ताकि क्रिस्पी बने पकौड़े। तो अब हम इसको एक बाउल में ले लेंगे सारे जो भी मैंने इसका बनाया है पेस्ट, उसके बाद सारा अच्छे से निकाल लेंगे। और फिर हम जो पोटैटो को मैंने यहाँ पे ग्रेट करके धुल के रखा है वो यहाँ पे ऐड करूँगी मैं। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद एक एक करके हम सारे सामग्री को इसके अंदर ऐड करेंगे। जो चॉप करके ऑनियन लिया था वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो देख सकते हैं ये मैंने जो ऑनियन लिया था वो मैंने ऐड कर दिया है। ऑनियन को आप किसी भी शेप में कट करके डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ये डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है, जितनी क्वान्टिटी हो उसके हिसाब से आप ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं। चावल का आटा हम इसलिए डालते हैं कि जो भी मॉइस्चर ज़्यादा हो तो ये इसको ऑब्जर्व कर लेता है और क्रिस्पी भी करता है। हींग डाला मैंने, पकौड़े हैं तो हींग डालना ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पे सौंफ डाला, हल्दी डाला और कलर ताकि अच्छा आए, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर अगर नहीं डालना चाहते हैं तो क्रश करके भी धनिया को डाल सकते हैं। और मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला है और ग्रीन चिल्ली भी डाला है, उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। और यहाँ पे मैंने स्वाद के अनुसार नमक, ये मैंने डाला है भुना जीरा पाउडर, और ये चाट मसाला। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक अच्छा सा इसका बना लेंगे। उसके बाद हम इसके पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारे यहाँ पे चॉप की है कोरिएंडर भी ऐड करेंगे हम।
और ये अच्छे से हाथों की हेल्प से हम इसे मिला लेंगे, स्पून की से ज़्यादा अच्छे से नहीं मिक्स हो रहा है। तो एक बार इसको ऐसे करने के बाद हम हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे चॉप किया हुआ हमने कोरिएंडर भी ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं उसे क्या टेस्ट। और अगर आपके पास कोरिएंडर नहीं है तो यहाँ पर आप कसूरी मेथी का भी यूज कर सकते हैं। अब यह हम हाथ में लेंगे और उसको एक अच्छा सा शेप देंगे, इस तरह से गोल गोल शेप दे के एक प्लेट में इस तरह से हम सारे पकोड़े रेडी कर लेंगे। जितने एक बार में तलने हैं उतने पहले रेडी कर लें। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसके अंदर एक बार हम चेक कर लेंगे हमारा ऑयल गर्म है कि नहीं। तो मैंने एक बार चेक कर लिया है, और आप एक पकोड़े डाल के पहले चेक कर लें कि पकोड़े फैल तो नहीं रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पकोड़े अच्छे से नहीं हो रहे हैं, थोड़े फैल रहे हैं, तो आप थोड़ा चावल का आटा और इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बेसन भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है अगर आपको लगे कि पकोड़े सही नहीं बन रहे हैं तो। और अगर नहीं है तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम इसे एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पे डाल लेंगे, और फिर इसको हमें एकदम गोल्डन होने तक फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि हमें क्रिस्पी पकोड़े चाहिए। ये पकोड़े बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, साथ में खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। और मूंग दाल के भिंगोरे तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया होगा, तो एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और चाय के साथ, चटनी के साथ, जिसके भी साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। और बारिश का मौसम है तो पकोड़े तो खाने में बहुत मज़े आते हैं। तो एक साइड होने के बाद फिर हम इसे पलट लेंगे, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे, और इनका शेप साइज़ सब बहुत अच्छा आया है, और बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने हैं। तो इसी तरह से हम पकौड़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे ताकि अच्छे बने हमारे पकौड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और मैं एकदम ऐसी लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कर रही हूँ, और इसे अब अलट पलट के हम सेक सकते हैं। और उसके सीखने के बाद हमें एक साइड में मैं मिर्ची को भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये मिर्ची के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मिर्ची में थोड़ा सा चीरा लगा लेना है, और अगर चीरा नहीं लगाएंगे तो फिर वो फटने का डर होता है, तो बीच से हम एक चीरा लगा लेंगे, फिर इसी तरह से रख के मिर्ची को फ्राई कर लेंगे। इस मिर्ची का स्वाद बहुत, इस पर थोड़ा सा नमक और नींबू भी डाल सकते हैं मिर्ची के ऊपर निकालने के बाद। तो ये फ्रेंड्स हमारे रेडी हो गए हैं पकौड़े खाने के लिए, और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और इसी तरह से मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है, और सारे पकौड़े मैंने रेडी कर लिया है, और अब मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरे पकोड़े रेडी हो गए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत अच्छे बने हैं। और देख लीजिए गरम गरम, और इसको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी साथ एंजॉय कीजिए, बारिश का मौसम का आनंद लीजिए। और कैसे बने हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी रेसिपी की डिमांड हो तो आप ज़रूर बताया करिए, ताकि हम वो रेसिपी आपके लिए बनाएं। और लाइक ज़रूर किया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है।